अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं हूँ जोहेब और आप देख रहे हैं आई एम मनाइल ट्रेन व्लॉग। जी दोस्तों, आज हम मौजूद हैं दोस्तों कराची और हैदराबाद के दरमियान वाक़ झम्पीर पे। अक्सर आपने इसका नाम सुना होगा दोस्तों, झम्पीर स्टेशन। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ झम्पीर पे, यहाँ पे रेल फेनिंग करने के लिए और ज़बरदस्त किस्म के आपको एक्शन दिखाने के लिए। ट्रेनों की स्पीड चेक करेंगे, यहाँ पे कितनी स्पीड में ट्रेनें यहाँ से जाती हैं, 104, 110, ये सब दोस्तों आपके साथ कैप्चर करेंगे। ज़बरदस्त किस्म की जगह और गर्मी का भी आलम दोस्तों, ज़बरदस्त किस्म की गर्मी भी पड़ रही है यहाँ पे। लेकिन ये जो जगह, ये अपनी हवा से बड़ी मशहूर है अभी, लेकिन वो हवा चल नहीं रही दोस्तों। बहरहाल आज हम सुबह सारा दिन यहाँ पर गुजारेंगे दोस्तों, झम्पीर पर ट्रेनों को कैप्चर करेंगे, स्पीडें उनकी कैप्चर करेंगे और साथ रहिएगा दोस्तों, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो चले अभी दोस्तों, पहला एक्शन हमारे पास जो आ रहा है डाउन में आ रहा है 150 डाउन मेहरान एक्सप्रेस, मीरपुर खास से कराची के दरमियान चलती है दोस्तों। तो आइए आपको 150 डाउन मेहरान एक्सप्रेस का थ्रो पास एक्शन दिखाएंगे दोस्तों। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ दोस्तों थ्रो हैं, सिर्फ एक वाइद 13 अपर 14 डाउन आवाम एक्सप्रेस का यहाँ पर स्टॉप है झम्पीर पर, बाकी किसी ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप नहीं है। जबकि मैं आपको अभी स्टेशन की कवरेज दिखाऊँगा, अच्छा ऊँचा प्लेटफॉर्म है दोस्तों यहाँ के और अच्छे प्लेटफॉर्म बेंचेज लगी हुई हैं, स्टेशन अच्छा बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी गाड़ी का स्टॉप है नहीं दोस्तों। चलें दोस्तों, अभी पहला एक्शन कैप्चर करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों पहला एक्शन है हमारे पास मीरपुर खास से कराची के दरमियान चलने वाली 150 डाउन मेहरान एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर है GMU-30। कराची से हवेलियां जाने के लिए 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस का ज़बरदस्त किस्म का थ्रो पास एक्शन दोस्तों, इसकी लीड पर है SGMU-30 82 वाली पावर। ये एक्शन देखा आपने कराची से हवेलिया के दरमियान चलने वाली 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस, जिसकी लीड पे था GMU-30 82-23। जी दोस्तों, ये थी 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस कराची से हवेलिया के दरमियान, ये चलती है दोस्तों SGMU-30 82-23 8223 इसकी लीड पे था दोस्तों। और अभी जो हमारा अगला एक्शन जो होगा दोस्तों, वो होगा 34 डाउन पार्क बिजनेस लाहौर से कराची के दरमियान चलती है, उसका भी आपको लाइव एक्शन दिखाएंगे दोस्तों। झम्पीर स्टेशन का प्लेटफॉर्म आपको ज़रा व्यू दिखाते हैं इसका करीब से, क्योंकि अक्सर हम लोग यहाँ ट्रेनों में जाते हैं दोस्तों, आप लोग भी ट्रेनों में सफ़र करते हैं, अक्सर आप लोग गुजरते होंगे यहाँ से, आप देखते हैं झम्पीर से गाड़ियाँ कैसे थ्रो पास होती। तो आज मौका मिला है, टाइम निकाला मैंने कि चलो आज ज़रा ऐसी जगह पर रेल फेनिंग करें जहाँ तो कभी गए भी ना हो और जिसको हमेशा ट्रेनों से ही स्पीड में पास किया। वेटिंग हॉल में इस वक्त मौजूद है दोस्तों हम लोग, और लेकिन वही बात है कि वेटिंग हॉल ये देख रहे हैं आप गाड़ियों का इंतज़ार करने के लिए, लेकिन दोस्तों बात यह है कि यहाँ पे पहले 25-26 डाउन जकरी एक्सप्रेस का स्टॉप होता था, 149 अप 150 डाउन मेहरान एक्सप्रेस का स्टॉप होता था, लेकिन दोनों के स्टॉप को ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ यहाँ पे 13 अप 14 डाउन का स्टॉप होता है दोस्तों। तो आपको ये टिकट घर है, इसका भी आपको झम्पीर स्टेशन का टिकट घर बना हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर देख रहे हैं अब गाड़ियों का जो हिसाब किताब है दोस्तों। यहाँ पर पहले आवाम एक्सप्रेस, जकरी एक्सप्रेस और शालतीफ, आवाम और शालतीफ का तो दोस्तों स्टॉप है यहाँ पे, लेकिन जकरिया का स्टॉप यहाँ से ख़त्म कर दिया अप डाउन दोनों साइड का। और अगर डाउन का ट्रेनों की बात करूँ तो वही जकरिया, आवाम और शालतीफ थी, लेकिन इनका स्टॉप यहाँ पे ख़त्म कर दिया दोस्तों जकरिया का, अब सिर्फ यहाँ पे आवाम एक तो शालतीफ रुकती है। ये टिकट घर हुआ करता था दोस्तों, लेकिन अभी बंद है क्योंकि खुलेगा 14 डाउन अभी आएगी, यहाँ पर तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है 14 डाउन का, 5 बजे का, तो उस वक्त ये टिकट घर खुलेगा दोस्तों। और बाकी ये तमाम स्टेशनों के कि यहाँ से जो गाड़ियाँ आती हैं किराया नाम है, इन्होंने भी फ़िलहाल हटा दिया, वरना मैं आपको यहाँ से किराया भी दिखाता। और ये है दोस्तों शेड के नीचे का, ये शालतीफ एक्सप्रेस की अभी 24 अप्रैल से टाइमिंग चेंज करी थी इन्होंने, उसका लगा हुआ है ये, जैसे मैं आपको ब्लॉग में बताया था 6 बजे पहले चलने लग गई है,
पहले चलती थी 7:30 बजे कराची से, अभी 6 बजे चलती तो उसका इन्होंने दोस्तों टाइम हुआ 11:10 और हमारे पास जो एक्शन है दोस्तों वो है 34 रन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस जिसकी लीड पे लगा हुआ है दोस्तों ZCU 63-6। किसी सरकारी अफसर के लिए इस गाड़ी को यहाँ पर रोक दिया गया जबकि इसका स्टॉप नहीं है यहाँ पर। यहाँ से बड़ा धुआंधार स्पीड एक्शन की उम्मीद हम कर रहे थे लेकिन पता चला है कि कोई सरकारी अफसर इसमें जाना था बैठ के इसके अंदर जो इसी का वेट कर रहे थे तो उनके लिए स्पेशल गाड़ी को रुकवाया गया यहाँ पर और अब डिपार्ट हो गई है और बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर से कराची के दरमियान में चलती है और आज उसको लीड कर रहा है ZCU 63-6 से अपने मुकर्रर वक्त से 1:40 लेट है। ये थी दोस्तों लाहौर से कराची के दरमियान चलने वाली 34 रन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस की लीड पे था ZCU 63-6। दोपहर का टाइम हो रहा है और भूख भी हमें सता रही है और इस सफ़र में सबसे अच्छी बात है मेरे लिए कि मेरे साथ फहीम भाई और स्पंकी एक्सप्रेस मोहसिन भाई मेरे साथ हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जंपीर के अंदर गांव में शहर में कुछ खाने पीने का हिसाब किताब देख रहे हैं। भूख भी लगी है बड़ी ज़ोरों की तो अभी हम वॉक करते हुए मेरे आगे आगे फहीम भाई और मोहसिन भाई जा रहे हैं तो चलें देखते हैं खाने का क्या मिलता है यहाँ पे। पकौड़े समोसे लेने के बाद दोस्तों अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। अब वहाँ पे देखते हैं कोई दाल वाल कोई अच्छी सी मिल जाए तो दोपहर का अपना खाने का तो बंदोबस्त करना है दोस्तों। फिर जंपी शहर के अंदर हम घुस गए हैं अब हम किसी होटल में देखते हैं फिर वहाँ पे रोटी खा दे पकौड़े खा लेंगे ना जी। कराची वाले बिरयानी के बगैर नहीं रह सकते। खुशी हो गमी बिरयानी ज़रूर चलती है चाहे सफ़र हो। पकौड़े और समोसे लेके हम लोग किसी ढाबे के वाले होटल में बैठे हैं जहाँ से हमने ये दाल फ्राई मंगवाई है और ये हमने वहाँ से जो पकौड़े और समोसे लिए थे और ये चना बिरयानी ये रास्ते से लिए इसको टेस्ट करते हैं। पकौड़ा दाल जी दोस्तों फाइनली हमने ढाबे पे खाना खा लिया दोस्तों। दाल मंगवाई थी पकोड़े समोसे सब मिक्स करके खाया लेकिन मज़ा आया दोस्तों। जहाँ का माहौल जैसा कल्चर वैसे ही खाने दोस्तों लेकिन बड़ा मज़ा आया अच्छा लगा। पेट तो भरना ही क्योंकि यहाँ पे एक वाहिद यही जगह है जहाँ पे होटल वगैरह बना हुआ है पूरा ये जंगली जंगल है छोटा सा शहर है जंपीरी स्टेशन का। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं फाइनली दोबारा स्टेशन स्टेशन पहुँचते ही हमारा दीदार हुआ GU 9012-9012 की पावर गुड्स ट्रेन का एक्शन मिला हमें स्लो स्पीड में। जी दोस्तों अब हमारे पास एक्शन है रावलपिंडी से कराची के दरमियान चलने वाली 46 रन पाकिस्तान एक पर जिसकी लीड पे है दोस्तों SGM MU 30-82-11। तो आइए आपको उसका ज़बरदस्त एक्शन दिखाते हैं दोस्तों।
दोस्तों फाइनली हम लोग लंच वगैरह करके आ गए दोस्तों। लंच आपको मैंने दिखाया था, हमने मंगवाए थे पकोड़े, समोसे, मूंग की दाल और रोटियां, तो बड़ा अच्छा आया दोस्तों, पेट भर गया अल्लाह का, बड़ा लाख लाख शुक्र है, मज़ा भी आया। तो और अब दोस्तों मैं आ गया हूँ झंपीर के बिल्कुल आगे की साइड पर, जहाँ से प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है और डाउन डाउन का ख़त्म हो रहा है, अब का शुरू हो रहा है। और दोस्तों अब एक्शन है हमारे पास 16 डाउन 16 डाउन कराची एक्सप्रेस का, जिसकी लीड पर है दोस्तों GEU 8212 जर्मनी लोकोमोटिव SGMU 30। तो अभी तक तो जो दोस्तों हमने ट्रेनों की स्पीड कैप्चर करी है वो अंडर 100 है, तो इंशाल्लाह ताला कराची एक्सप्रेस से बड़ी उम्मीद है दोस्तों कि 100+ होगी। अभी जो ट्रैकिंग पे चेक करिए दोस्तों, भुलारी रेलवे स्टेशन से निकल गई है और अच्छी स्पीड है अभी, तो देखते हैं दोस्तों अभी कितनी स्पीड उसकी कैप्चर करते हैं। ज़बरदस्त, ये थी दोस्तों लाहौर से कराची के दरमियान चलने वाली 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, जिसकी लीड पे था दोस्तों SGMU 30 8212 ज़बरदस्त स्पीड के साथ दोस्तों। ये दोस्तों आप मेरे सामने देख रहे हैं कोयले का पूरा हिसाब किताब यहाँ रखा हुआ, यहीं आके लोग भट्टी वगैरह के लिए यहाँ से ले जाते हैं। और दोस्तों इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है 42, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है दोस्तों, लेकिन क्या करें दोस्तों, रेल फेनिंग तो करनी है, घर से निकले तो, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी का प्रेशर है दोस्तों। और टाइम हो रहा है इस वक्त अभी 1:50, और मैं आप देख रहे हैं आगे की तरफ जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेन 6 डाउन ग्रीन लाइन को दोस्तों कैप्चर करना मुझे, कर्व के स्टाइल में गुलाई लेती हुई गाड़ी में। दोस्तों टाइम हुआ 1:45 और पाकिस्तान की मोस्ट प्रीमियम ट्रेन ग्रीन लाइन पिंडी से कराची के दौरान चलने वाली, आइए आपको इसका ज़बरदस्त एक्शन दिखाते हैं। इसकी लीड पर है GEU 9050। जबरदस्त दोस्तों, ये थी 6 डाउन ग्रीन लाइन पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेन, जिसकी लीड पे था दोस्तों GEU 9050 9050 ज़बरदस्त एक्शन के साथ। जी दोस्तों हम लोग झंपीर आउटर के पास आ चुके हैं, वो आप मेरे सामने देख रहे हैं, आपको प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है, वहाँ से पैदल चल के हम ये इधर अभी आउटर के पास ही आ चुके हैं पुल के नीचे, सिर्फ इसी जगह पर थोड़ी छाँव नज़र आ रही थी। कर्व देख रहे हैं, इसी कर्व को कैप्चर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं पैदल चल के। और गर्मी की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो कब तकरीबन इस वक्त जो अभी चल रहा है 41 टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे। जी दोस्तों ये आप देख रहे हैं, मैं झंपीर के पुल के नीचे मैं खड़ा हूँ, और दोस्तों यहाँ पर जो आने का हमारा मेन मकसद जो है मेरा वो है यहाँ से 47 अप और डाउन में आने वाली 18 डाउन मिला था उसको कवर करना है इस साइड से, उसके लिए मैं यहाँ पर इतना चल के आया हूँ दोस्तों। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल झंपीर के स्टेशन पे जो कर्व है गुलाई पे, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अपनी अपनी पोजीशनें संभाल ली है दोस्तों। ये सामने मेरा आप देख रहे हैं फहीम भाई और हमारे स्पंकी एक्सप्रेस मोहसिन, इन्होंने वहाँ से अपनी पोजीशन ले ली है 18 डाउन मिले थे एक्सप्रेस को कवर करने की, उसकी लीड पर है दोस्तों 82-24। जी दोस्तों टाइम हुआ है 2:10 और हमारे पास जो एक्शन है ज़बरदस्त 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस का दोस्तों, जिसकी लीड पर है 82-24 लाला मूसा से कराची के दरमियान ये चलती है दोस्तों। हम लोग खड़े हैं झंपीर के कर्व पे, आइए आपको 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस का ज़बरदस्त एक्शन दिखा देते हैं। SGMU 30 8224 ज़बरदस्त स्पीड के साथ दोस्तों 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस। जी
दोस्तों ये थी ज़बरदस्त एक्शन जो इतनी दूर हम पैदल चल के आए इसको कवर करने के लिए, वो आना हमारा वसूल हो गया दोस्तों। ज़बरदस्त एक्शन है 18 मिलत एक्ट्रेस का। दोस्तों टाइम हुआ है 2:20, हमारे पास अगला एक्शन है दोस्तों वो है 47 अब रहमान बाबा एक्ट्रेस का, जो कराची से पिशावर के दरमियान चलती है। लीड पर है दोस्तों उसकी SGMU 30 82 वाली पावर। आइए दोस्तों उसको आप कर्व की एक्शन दिखाते हैं, उसको कर्व लेती हुई गाड़ी स्टेशन से, और पीछे आप मेरे देख रहे हैं फहीम भाई खड़े हुए अपनी पोजीशन लिए हुए। 47 अब रहमान बाबा एक्ट्रेस दूर से लाइटें मारती हुई दोस्तों। चलिए दोस्तों दोबारा चलते हैं झंपेरी स्टेशन की तरफ। इस पुल को खैरबाद कहते हैं, यहाँ से 2 एक्शन कवर करने हैं दोस्तों 47 और 18 के। तो हम निकलते हैं, अंकल है बेचारे इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं। अच्छा अंकल इजाज़त है फिर, बड़ा मज़ा आया, अच्छा टाइम गुजरा आपके साथ। सही माशाल्लाह, चलें शुक्रिया। आप लोग कब छुट्टी, घर कब जाएंगे, छुट्टी कब होगी आप लोग? 4:30 के बाद। ये दोनों भाई भी आ जाओ भाई। ये देख रहे हैं दोस्तों इतनी गर्मी में धूप के अंदर ये पत्थरों को इस तरह सेट कर रहे हैं, ये इनका कुछ एक्शन होता है। बेचारे गर्मी में धूप के नीचे बैठे कर रहे हैं, हर आदमी लगा हुआ रोजी रोटी कमाने के लिए। फहीम भाई और मोहसिन आगे आगे जा रहे हैं दोस्तों, मैं थोड़ा सा पीछे रह गया। ये 124 किलोमीटर कराची से यहाँ तक 124 किलोमीटर है दोस्तों। अब टाइम हुआ है स्नैक टाइम का, हल्की फुल्की मूक में हल्का फुल्का टक। ये है मेरिंडा ड्यू लेस और कुछ मैंने लिए थे बेकरी के बिस्किट। ये देख रहे हैं आप, ये बड़े मज़ेदार ताज़ा बन के आए थे बिल्कुल, चलें इसको एंजॉय। ये है गुलेरी, अपना रिस्क तलाश करते हुए काफ़ी टाइम से हमारे साथ ही फिर रही है यहाँ पे, इसको डर नहीं लग रहा ना ये आगे पीछे हो रही है, और बहुत ज़्यादा है यहाँ पे दरख्तों के ऊपर। गुड्स ट्रेन का एक्शन है जिसको मैंने पुल के ऊपर से कैप्चर कर रहा हूँ, और इसमें सारा कोयला जा रहा है, कोयले से फुल लोडेड है ये गुड्स ट्रेन, और इसकी लीड पे GU90। भारी मकदार में कोयला ऐसे जा रहा है, और ये जो ट्रेन है ये जाती है यूसुफ वाला। दोस्तों टाइम हुआ है 4:50, वहाँ पर एक्शन है दोस्तों कराची की सेकंड प्रीमियम ट्रेन 41 आप कराकरा मैक पर, जिसकी लीड पे दोस्तों GU90 की पावर। आइए दोस्तों आपको उसका ज़बरदस्त किस्म का एक्शन दिखाते हैं। ये थी कराची से लाहौर के दरमियान चलने वाली 41 ऑफ कराकरम एक्सप्रेस, जो कि कराची से दोपहर को 3 रवाना होती और झंपेर पास किया उसने 4:50 पे। 1:50 में उसने अपना कराची से झंपेर तक का सफ़र तय किया। अब इसकी आखिरी मंजिल है वो है लाहौर। और दोस्तों 41 ऑफ कराकरम एक्सप्रेस जाते ही 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस।
ज़बरदस्त 41 अप आउटर क्रॉस ही किया होगा दोस्तों, फौरन से 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस है जी एम यू 30 की पावर के साथ ज़बरदस्त किस्म के दोनों एक्शन ज़बरदस्त जी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है दोस्तों। ये हम जंपीर पर रेल फेलिंग कर रहे हैं दोस्तों, और फाइनली हमारी 152 डाउन शालती एक्सप्रेस भी आ रही है, सिग्नल हो गया दोस्तों, घंटी बैल हो गई उसकी। तो ये थी हमारी जंपीर की रेल फेलिंग दोस्तों, बाकी की जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे शाह लतीफ़ में। ज़बरदस्त किस्म के ट्रेन में बैठ के आपको डाउन के एक्शन दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक वाइड यही गाड़ी है, हम इसमें बैठ के जाएंगे। अभी हमारे पास 15 अप 17 अप 7 अप के एक्शन बाकी। टाइम हुआ है दोस्तों 5:30 और मेरे पास अभी ज़बरदस्त एक एक्शन है 9 अप अलामबल एक्सप्रेस कराची के सियालकोट के दरमियान चलती है दोस्तों, कराची से सियालकोट। तो आइए इसको 9 अप का ज़बरदस्त किस्म का एक्शन कैप्चर करते हैं दोस्तों, और हमारी शाह लतीफ़ की बैल हो गई है। और दोस्तों फाइनली हमारी 141 अप शाह लतीफ़ एक्सप्रेस भी आ गई है दोस्तों, 142 डाउन। और इस साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो 9 अप अलाउ पहले उठ आ गई है, दोनों ट्रेनें दोस्तों एक साथ स्टेशन पे। चले दोस्तों, और मेरे साथ इस सफ़र में हमारे स्पंकी एक्सप्रेस फहीम भाई, ओ सॉरी मोहसिन भाई, चले 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 मोहसिन भाई फहीम भाई साथ हैं, तो चले दोस्तों। और ज़बरदस्त किस्म का सफ़र जारी है, HGMU 82-4 और ज़बरदस्त स्पीड के साथ, और ड्राइवर है इसमें हबीब भाई जो कि अपनी स्पीड की महारत से बड़े जाने जाते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं ज़बरदस्त स्टार्ट लिया उन्होंने जैसी जंपीर से गाड़ी निकली। अगला हॉल्ट है इसका मुरादाबाद, स्टॉप इसने सारे ही करने बिग रोड तक। शानदार स्पीड के साथ HGMU 82-30 82-4 आप देख सकते हैं, स्पीड इसकी 116 पे जा रही है, और ये सेक्शन है मुरादाबाद और जंगशाही के दरमियान, और यहाँ पर इसकी स्पीड जो कैप्चर हो रही है वो हो रही है 116। ज़बरदस्त किस्म का स्पीड दौरान सफ़र एक खूबसूरत समा बादलों पे मैंने कैप्चर किया, जो कि मुझे तो बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ मैं इसको देख के, मुझे बड़ा प्यारा सा लग रहा है सूरज की रोशनी और ट्रेन की ज़बरदस्त स्पीड। दोस्तों ये थी हमारी जर्नी शाह लतीफ़ एक्सप्रेस की, और इसी ब्लॉग को धावी जी सीजन पे एंड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं दोस्तों, और आगे वैसे भी हमें बिन कासिम को कर जाना है। तो और मेरे साथ हमारे बड़े प्यारे भाई हमारे स्पंकी एक्सप्रेस मोहसिन भाई अब्दुल अजीज़, बड़ा मज़ा आया इनके साथ जंपीर पे रेल फेलिंग में जी। बिल्कुल मेरे भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा आपके साथ आपसे मुलाकात करके। और गर्मी कैसी थी मौसम भाई? गर्मी तो कराची की मशहूर ही होती जा रही है, पहले तो सिर्फ सिब्बी की मशहूर थी या सिंध के इलाकों की थरवारगढ़ वगैरह की मशहूर थी, लेकिन अब तो कराची की भी जो है वो लग रहा है गर्मी जो है वो तारीख रकम करेगी कोई ना कोई। ऐसा ही, लेकिन ये था कि होटल वगैरह पास थे, पानी वानी की सुविधा हमें मिली, बाकी सब चीज़ें जो है वो मिलती नहीं टाइमली, जिस वजह से पता नहीं लगा गर्मी का, लेकिन फिर भी जब बैठे हुए शिद्दत का एहसास होता था गर्मी की। ऐसा ही है, चलें चलें दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगली किसी वीडियो में, तक लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे, हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।